हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। जब किसी यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाता है तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर का चैनल भी अंडर रिव्यू में पहुँच गया था, बट इस भाई के 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने होते हैं, पर यहाँ पे 33,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, बट यहाँ पे 60,000 घंटे से ज्यादा हो गए पर आज तक इनका चैनल अप्रूव नहीं हुआ, यानी कि मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आज हम बताएंगे कि इनके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है और इनका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो कंप्लीट देखना क्योंकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इनके यूट्यूब चैनल जब मैंने चेक किया, डिस्क्रिप्शन सही है, टैग सही है, टाइटल सही है, थंबनेल सही है, वीडियो खुद की है, फिर भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। इन्होंने एक मिस्टेक की थी, वो क्या ऐसी मिस्टेक थी वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन यूट्यूबर ने चैनल मोनेटाइज कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, कभी ट्वीट किया, कभी फीडबैक भेजा, कभी यूट्यूब को ईमेल करी, पता नहीं क्या क्या इनको मतलब किया, पर इनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। फिर उसके बाद ये मेरे से इनका कनेक्शन हुआ इंस्टाग्राम पे, तब जाके मैंने इनका इश्यू पकड़ा और मैंने इनको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही बता दिया कि आपके चैनल में क्या इशू है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 33,000 सब्सक्राइबर हो गए, 4,000 घंटे चाहिए होते हैं और 62,000 घंटे हो चुके हैं और इनका चैनल आज तक अंडर रिव्यू पड़ा है पर ये अप्रूव नहीं हो रहा है। सब कुछ बताने के लिए आ गया हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको लेके जाता हूं स्टेटस एंड फीचर पे। अब ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। और इन भाई का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने टेक्निकल इसरा यूट्यूब चैनल पे विश्वास किया और अपना यूजर नेम पासवर्ड हमें दिया। हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि इनके चैनल में क्या ऐसी दिक्कत है जो इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको वीडियो मैनेजर पे। जो चीज आपको बता रहा हूं वो ही आपको समझना। अगर आपके चैनल पे अंडरव्यू प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिए जो आपको समझाना चाह रहा हूं। वीडियो है 10, यानी कि इसने 10 वीडियो अभी तक डाली है। उसके बाद इसने 11 अक्टूबर को डाली थी, उसके बाद इन्होंने डाली थी 20,000 सब्सक्राइबर, 20,000 व्यू यहाँ पे है, मतलब कुल टोटल व्यू आप देख सकते हो कितने हैं। तो अगर आप देख सकते हो 8,000 है, 4,000 है, 4,64,000 है जो इसने डाली थी 2018 में, ठीक है, और उसके बाद 1,500 इनके 2,000 यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनकी खुद वीडियो है। मैंने एक एक वीडियो चला के देखी, इनका डिस्क्रिप्शन चेक किया, इनका थंबनेल चेक किया, तो इस भाई की खुद की वीडियो है। कहने का मतलब है वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 वीडियो इन्होंने डाली है, इन्हीं के थंबनेल है, अंदर भी यही है, फोटो भी इन्हीं की है, कोई भी म्यूजिक यूज नहीं किया इन्होंने, मतलब कुल मिला के बात यह है कि इन्हीं का सब कुछ है बट फिर भी चैनल अंडर रिव्यू पड़ा है। मैं दोबारा से आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। कहने का मतलब जब यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्हीं का फोटो यहाँ पे लगा है, तो 33,000 सब्सक्राइबर क्यों है यहाँ पे, 62,064 घंटे क्यों है, क्यों इनका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, किस रीजन से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूं आपको एनालिटिक्स पे। जब हम एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज है, यहाँ पे आपको करना है लास्ट 365 डेज। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो वॉच टाइम दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 2,40,000 का वॉच टाइम चाहिए होता है पर इनके पास मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि टॉप 10 वीडियोस थी, उनमें से सिर्फ 2 वीडियो आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉच टाइम कितना है, 53,000 मिनट यहाँ पे है और 34,000 मिनट यहाँ पे है। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये कितना बैठ गया, तो ये करीब 85,000 मिनट बैठ गया है। कहने का मतलब यह है कि 2,40,000 मिनट वॉच टाइम चाहिए होता है जो कि इनके चैनल पे नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इनके चैनल पे टोटल व्यूज मैंने देखे और यहाँ पे लास्ट 365 डे का देखा तो इस पे 82,000 है, ये है ना देसी आईपीएल। तो यहाँ पे अगर एनालिटिक्स में जाते हैं तो देसी आईपीएल पे कितने, 53,000 है। यहाँ पे जो नदी वाली वीडियो है चंबल की, तो यहाँ पे 34,000 मिनट है। तो यानी कि जो इनके पास ये वीडियो है चंबल की, ये जिसपे सबसे ज्यादा इन पे व्यू है, ये वाली
चंबल वाली, तो इस पे भी कम है। तो इसका मतलब है इनके चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, तो चैनल मोनेटाइज कैसे होगा ये बताओ आप मेरे को। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसने मिस्टेक क्या कर रखी है वो आपको बता देता हूँ कि इसने कम से कम यहाँ पे 15 से 20 वीडियो डाल रखी थी जिन पे अच्छे खासे व्यूज और वॉच टाइम था, वो इसने डिलीट कर दी। जब इसने वो डिलीट कर दी तो यहाँ पे वॉच टाइम झुका तो दिखाता रहता है पर वो जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि यहाँ अगर हम एनालिटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल कई बार यहाँ पे एक्यूरेट दिखाता है, तो यहाँ पे इसने एक्यूरेट दिखाया, तो इसका मतलब है इसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये यूट्यूब चैनल जिंदगी में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा जब तक ये नई वीडियो नहीं डालेगा और उन पे वॉच टाइम लेके नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस बंदे की तरफ से तो ये चैनल अंडर रिव्यू में चला गया पर यूट्यूब चैनल की तरफ से अंडर रिव्यू में नहीं गया। दोस्तों कहने का मतलब है अगर आप वीडियो डिलीट करते हो तो उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ता। यहाँ पे मैं दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो को आप डिलीट कर सकते हो पर जो वीडियो डिलीट हुई है उसका वॉच टाइम जुड़ता नहीं, वहां पे दिखता जरूर है पर वो काउंट नहीं होता। सिर्फ इसी वजह से इनका चैनल अंडर रिव्यू पड़ा है, यानी कि इनका यूट्यूब चैनल पे वॉच टाइम ही नहीं है तो चैनल जो है मोनेटाइज कैसे होगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप जानकारी को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।